जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिंप निर्जय। देखिए तीसरा सवाल है, वक्र y बराबर 3x² + 4 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा उस रेखा के लंबवत है जिसकी प्रवणता -1/6 है। अब इसमें ध्यान देंगे जिसमें लंबवत बोलता है, तो लंबवत में क्या होता है, जो दोनों प्रवणताओं का गुणनफल होता है वो -1 होता है, और समांतर होते हैं क्या होते हैं, दोनों प्रवणताएं बराबर होती है। तो इसमें जो वक्र दिया है इसका हमको प्रवणता निकालना है, और इसमें पहले से देखिए ये रेखा की प्रवणता -1/6 पहले से दिया है, रेखा का प्रवणता। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे यहाँ करके, हो जाएगा यहाँ, हो जाएगा आपका y बराबर 3x² + 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा आपका d/dx, ये y हो गया, यहाँ 3 अचर राशि दो अलग करेंगे, d/dx x² फिर d/dx और क्या हो गया 4, इनका अवकलन करें तो ये dy/dx ही रहेगा बराबर ये 3, x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x^n वाला nxn-1, ये 4 अचर राशि से क्या हो जाएगा 0, तो dy/dx बराबर 3×6x। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये जो हम अवकलन करते हैं ना यही इसका क्या होता है प्रवणता, ये कितना हो गया 6x। क्लियर हुआ, अब इसका काम आएगा, अब इसको छोड़ देते हैं, इसका स्पर्श रेखा का निकल गया। अब इसमें क्या बोला है, रेखा के लंबवत है जिसकी प्रवणता -1/6, पहले से इसमें क्या दिया है, रेखा की प्रवणता -1/6 पहले से दिया है, यहां पर यहां लिख सकते हैं ये दिया है रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता बराबर दिया है -1/6। अब ध्यान देंगे लंबवत बोला है, हमेशा ध्यान देंगे समांतर और लंबवत, तो लंबवत रहेगा तो ये जो दोनों प्रवणता निकलता है ना इन दोनों का गुणा करते हैं, और समांतर रहता है दोनों को बराबर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे आगे। अब ऐसे लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा, इसको लिख देंगे प्रश्न दिया है, चूंकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा के लंबवत है, दी गई रेखा के लंबवत है, इसलिए उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, ऐसा इसमें लिखना है। अब इसको भी सुगुणा करेंगे, जो अभी निकाले थे क्या 6x और -1 दोनों का गुणा करेंगे और उसके बराबर में क्या लिखेंगे -1, तो ये आपका हो जाएगा 6x और गुणा करेंगे गुणा -1 बराबर -1, यहां से देखिए सॉरी -1/6 है, यहां पर देखिए ये निकला है ना,
स्पर्श रेखा कोणता 6x और रेखा कोणता -1/6, इन दोनों का गुणा करके बराबर में क्या लिखना है -1। तो 6x गुणा -1/6 बराबर -1। ये -1 कहाँ से आया बता, ये नियम से कि दोनों के प्रवणताओं गुणनफल बराबर -1 होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ से गुणा की कंडीशन में तो 6 से 6 कट जाएगा, x और 1 का गुणा करेंगे तो x ही आएगा और चिन्ह क्या रहेगा माइनस, x से कम x, यहाँ पर -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 1। x का मान निकल गया, अब हमको y का मान निकालना है। तो जो x का मान निकला है उसी को समीकरण 1 में रखना है। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या है, जो प्रश्न दिया है वही समीकरण 1 है। तो प्रश्न क्या दिया है, y बराबर 3x² + 4 ये दिया है, y बराबर 3x² + 4 ये प्रश्न है समीकरण 1। तब ये y बराबर हो गया, ये 3 हो गया, x के बदले क्या लिखना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 4 का 4 रहेगा। अब यहाँ से हो जाएगा आपको y बराबर, ये 3 हो गया, 1 दूनी 2 निकलना है, 1 एकम 1 ही होगा प्लस 4, ये हो गया आपका y बराबर 3 एकम 3 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका y बराबर 7। ये क्या है इसका उत्तर है। तो लास्ट में लिख सकते हैं इसका बिंदु प्राप्त क्या हो गया, लिखेंगे अतः बिंदु x का मान आया 1 और y का मान आया 7, ऐसे जमा के लिखना है। जैसे ये x का मान है आपका, x का मान 1 और y का मान 7, ऐसे बिंदु है, बिंदु 1 7, ऐसे हैं जहां पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा रेखा के लंबवत है, स्पर्श रेखा रेखा के लंबवत है। ये क्या है इसका उत्तर है। चौथा सवाल है, वक्र 4x² + 9y² = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखाएं रेखा 2y + x = 0 के लंबवत है। फिर से देखिए क्या बोला है, लंबवत बोला है, मतलब इसका जो ये वक्र दिया है इसका एक बार ये क्या करना है प्रवणता निकालना है, और रेखा दिया है इसका प्रवणता निकालना है, फिर दोनों का गुणा करके बराबर में क्या लिखना है -1, तो फिर इसका मान निकल जाएगा। प्रश्न चौथा है, वक्र देखिए यहां से क्या करना है, इसको पहले लिखना है यहां करके 4x² + 9y² = 1 लिख लेना है समीकरण 1। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा, 4 को अलग करेंगे dy/dx x² + 9 को अलग करेंगे dy/dx y² = dy/dx ये क्या हो गया 1। 4 का 4 रहेगा, x² का क्या हो जाएगा, ये 2 सामने में आएगा, 2x हो जाएगा, 9 का 9, y² का क्या होगा 2y, लेकिन याद रखेंगे y वाले में dy/dx भी आएगा, 1 अचर राशि है तो उसका अवकलन 0। हमको अब यहाँ से हो जाएगा आपका
चार दुनिया 8x हो जाएगा और ये 9 दुनिया 18y हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर 0, तब यहाँ से हो जाएगा ये आपका 18y dy बाई डी एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। पक्षांतर किए तो मान निकलना है dy बाई डी एक्स का, तो 18y कहाँ आएगा इसके नीचे आएगा क्योंकि गुणा है तो भाग में। अब कट रहे तो कटा देंगे, ये कट जाएगा आपको किससे कट जाएगा 2 × 8 हो जाएगा और 2 × 18 हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा बराबर, इसको लिख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस, 2 से कटाएंगे 2 × 8 और 2 × 18 माइनस 4x/9y। अब यहां से लिख देंगे इसको कटाएं, अब ये हो जाएगा आपका, इसलिए लिखेंगे इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये वाला लिखेंगे माइनस 4x/9y। अब यहां से देखना है ये वाला तो हो गया, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। देखिए यहां से ये वाला, अब रेखा को देखिए, रेखा लिखा है 2y + x = 0, यहां लिखेंगे दी गई रेखा, ये हो जाएगा आपका दी गई रेखा करके लिखेंगे दी गई रेखा, क्या दिया है 2y + x = 0। तो यहां भी इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन रेखा को होता है y बराबर mx + c, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो y रहता है तो y को छोड़ देते हैं, बाकी सबको पक्षांतर करते हैं, प्लस उल्टा क्या होता है माइनस। अब y का मान निकालेंगे 2 गुणा में इसके भाग में आएगा, बस समझ में आया। तो यहां से इसका तुलना करते हैं किससे, y बराबर mx + c से तुलना करने पर, mx + c से तुलना करेंगे तो m मतलब होता है प्रवणता, तो यहां से इसको तुलना करेंगे इस प्रकार, ये हो जाएगा आपका mx = -x/2। तो c के लिए तो नहीं है कोई अचर राशि आता, तो c से तुलना करते हैं तो mx = क्या हो जाएगा -x/2 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा mx = -x/2, तो यहां से क्या होगा m का मान निकालेंगे तो -x/2 हो गया, x गुणा है तो कहां आएगा भाग में, तो x और x कट गया मतलब -1/2 इसका प्रवणता है। आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भी आ जाएगा, तो इसका क्या आ गया m बराबर इसका है आपका ये आ गया, तुलना किए तो m बराबर क्या है -1/2। तो यहां लिख सकते हैं इसलिए रेखा की प्रवणता, m मतलब प्रवणता, ये हो जाएगा इसलिए रेखा की प्रवणता बराबर कितना आ गया -1/2। ठीक है, अब यहां से स्पर्श रेखा की प्रवणता और रेखा की प्रवणता, चूंकि ध्यान दीजिए इस प्रश्न में लंबवत बोला है, तो इसको और इसको दोनों को गुणा करेंगे और उसे गुणा करके बराबर में क्या लिखेंगे -1, फिर हल करेंगे तो मान निकलेगा। अब आगे लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा, प्रकार लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा के लंबवत है, दी गई रेखा के लंबवत है इसलिए उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तब क्या हो जाएगा, वो गुणा करना है इसका जो आया था हमारे पास, यहां पर देखिए क्या है -4x/9y और इसका क्या है -1/2, ये हो जाएगा -4x/9y
गुड़ा माइनस एक बटे दो, कोष्टक मतलब गुड़ा होता है, और बराबर में क्या लिखेंगे माइनस वन। ये तो नियम से आया आपका माइनस वन, और ये गुड़ा करना है। अब यहाँ जो कट है उसको कटा देना है, यहाँ से देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये दो से इस चार को कटा देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, इस दो से चार को कटाएंगे तो देखिए इस प्रकार हो जाएगी, ये लिखा है माइनस चार एक्स बटा नौ वाई और माइनस एक बटे दो। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पर दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो ऊपर में दो और x बचा, और नीचे में क्या बचा नौ वाई, क्लियर है, और माइनस माइनस प्लस, दो एक्स बटा नौ वाई बचा। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करने पर क्या बच गया, दो एक्स बटे नौ वाई बराबर क्या हो गया ये माइनस वन। तो यहां से देखिए x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहां से हम x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो देखिए 9y पहले तीर गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर माइनस 9y, 9 कम 9। अब x का मान निकालेंगे, 2 कहां आएगा इसके नीचे, तो माइनस 9y बटा 2, ये किसका मान है x का मान। अब x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। अब यहां से हो जाएगा, यहां से आप इसको कुछ समीकरण दे दीजिए, ये हो जाएगा समीकरण, मान लीजिए इसको मान लेते हैं 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा x बराबर माइनस नौ वाई बटा 2 समीकरण 1 में रखने पर, तभी हो जाएगा समीकरण एक क्या है, जो प्रश्न दिया है उसी में रखना है। हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न था चार एक्स घात दो प्लस नौ वाई की घात दो बराबर एक, ये प्रश्न है और यही समीकरण एक है। अब यहाँ पर आपको जो एक है उसके बदले लिखना है माइनस नौ वाई बटा दो, यहाँ घात दो है इसलिए घात दो, ये नौ वाई की दो घात दो वैसी रहेगा बराबर एक, ध्यान से समझे। अब ये हो गया x के बदले लिख लिए, बाकी सब वैसी है। यहाँ देखिए स्क्वायर है मतलब इसको दो बार लिखना है, ये चार का चार हो जाएगा तो घात दो है तो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यहाँ इसको दो बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसे नौ वाई बटा दो गुणा नौ वाई बटा दो, इसको दो बार लिखना है घात दो का मतलब और माइनस माइनस प्लस, ये नौ वाई की घात दो बराबर एक वैसा ही रहेगा। अब ये हो जाएगा आपका देखिए ये चार का चार रहेगा, नौ निया इक्यासी हो गया, वाई वाई का गुणा करेंगे तो वाई की घात दो और दो दूनी चार, चार से चार कट गया ये प्लस हो गया नौ वाई की घात दो बराबर एक। तब यहाँ क्या बच गया देखिए, इक्यासी वाई की घात दो प्लस नौ वाई की घात दो बराबर एक, तो इक्यासी और नौ कितना हो जाएगा नब्बे वाई की घात दो बराबर एक। तो वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो नब्बे कहाँ जाएगा इसके नीचे, गुणा है तो भाग में, अब y का मान निकालेंगे तो ये जो वर्ग है पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाता है, एक बटे क्या हो जाएगा नब्बे हो जाएगा, और कभी वर्गमूल लगाते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये वर्ग का वर्गमूल हुआ, नब्बे को आप और सॉल्व कर सकते हैं, ये इस प्रकार हो जाएगा, जैसे इसको और सॉल्व करेंगे आप नब्बे को ये हो जाएगा वाई बराबर ये होगी आपका प्लस माइनस ये करनी एक बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं तीन तीन नौ और नौ दहम नब्बे, ऐसा लिख सकते हैं, तो जो जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, तभी हो जाएगा वाई बराबर प्लस माइनस एक का वर्गमूल तो खैर एक ही होता है, ये तीन जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा करनी दस और एक का वर्गमूल एक ही होता है। ये वाई का मान आ गया, वाई का दो ठो मान आया, एक बार प्लस में आया और एक बार माइनस में, क्लियर हुआ। वाई का कितना ठो माना गया दो ठो, एक ठो लिख सकते हैं प्लस वाला एक बटे तीन करनी दस, और एक ठो मानो इसका हो जाएगा वाई बराबर माइनस एक बटा तीन करनी दस, ध्यान देंगे वाई का दो ठो माना है ना, इसको आप ध्यान देंगे वाई बराबर करके ये हो जाएगा आपका दो ठो माना है, ये वह करके इसको लिख लेंगे वाई बराबर ये और वाई बराबर माइनस करके। अब इस वाई के दोनों मान को, इस वाई के मान को हमको समीकरण दो में रखना है, क्या निकलेगा x का मान निकलेगा, समीकरण दो है आपका ये वाला, इसमें रखना तो x का मान निकलेगा, तो इसका भी दो ठो निकलेगा, तो पहले एक बटे तीन करनी दस को इसमें रखेंगे, तो देखेंगे ये क्या रखेंगे, पहले y बराबर
एक बटे तीन करनी दस, प्लस वाला को रखेंगे किसमें, समीकरण दो में, समीकरण दो में रखने पर ये समीकरण दो है आपका, तो एक्स बराबर हो गया माइनस नौ। ये जो वाई है, वाई के बदले क्या लिखते हैं आपको, ये नौ बटे दो पहले से है, वाई के बदले आपको लिखना है ये वाला एक बटा तीन करनी दस, क्लियर हुआ, वाई के बदले लिखते हैं इसमें। तब यहाँ से क्या होगा, देखिए तीन से कटाएंगे ये हो जाएगा तीन एकम तीन, तीन दिया नौ, ये हो जाएगा एक्स बराबर ये माइनस तीन हो गया और नीचे में दो हो गया और करनी दस, तो माइनस तीन बटा दो करनी दस, ये किसका मान आ गया एक्स का, एक ठो मान आया। अब एक और मान निकाले थे, अब लिखेंगे वाई, वाई बराबर माइनस एक बटा तीन करनी दस, एक तो प्लस में एक तो माइनस में आया था, इसको फिर से समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो में रखने पर तो फिर से इसी में रखेंगे, ये वाला है आपका ये दो एक्स, ये वाला एक्स बराबर माइनस नौ वाई बटा दो, इसी में ही रखना है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइनस नौ, वाई का मान रखेंगे क्या, माइनस नौ बटे दो है, वाई का मान इसको रखेंगे माइनस एक बटा तीन करनी दस, तब ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तीन के क्या हो जाएगा नौ, तो एक्स बराबर हो जाएगा तीन एकम तीन बटे दो करनी दस। देखिए अब दो ठो मान इसका भी आ गया, तो लिखेंगे अतः बिंदु करके, अतः बिंदु क्या प्राप्त हुआ, अतः बिंदु एक्स का दो ठो मान है, हमेशा हम किसको लिखते हैं एक्स को पहले वाई को बाद में, तो देखिए एक्स का ये वाला हम मान लेते हैं, अगर ये एक्स का मान कितना आया है तीन बटे दो करनी दस, एक्स का मान है, यहाँ पर वाई का मान कितना है माइनस एक बटा तीन करनी दस, देखिए एक प्लस है तो एक माइनस है, वह करके लिए एक और बिंदु, देखिए ये वाला में एक्स का मान कितना आया है माइनस तीन बटे दो करनी दस, इसको लिखेंगे माइनस तीन बटा दो करनी दस, यहाँ पर इसका वाई का मान लिखेंगे, वाई का मान क्या है एक बटा तीन करनी दस, एक बटा तीन करनी दस, ये दो ठो बिंदु प्राप्त हुआ, देखिए एक प्लस है तो एक माइनस है तो एक प्लस, इस प्रकार इसका दो मान आया है। तो यही ज्ञात करना था, ये क्या इसका उत्तर है, ध्यान देंगे। तो कोई भी सवाल को आप ध्यानपूर्वक बनाएंगे, सही नियम से उसको बनाएंगे तो क्या है वो आपका उत्तर सही ही आएगा। जटा कटाह संभ्रम भ्रमं निलिंग